हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी ऑक्सीडेटिव फॉर्फोराइजेशन ठीक है लास्ट लेक्चर में हमने उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस की थी सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पॉइंट इन ऑक्सीडेटिव दॉस्फोराइजेशन दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की पूरी कोई पूरी सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है किस प्रकार होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया कंटेन्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स रेट जनरेट द प्रोटोन मोटिव फोर्स बाय कपलिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द एन ए डी एच एंड अदर सब्सट्रेट टू द एक्सपोजन ऑफ द प्रोटोन्स ओके सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि बैक्टीरिया की जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ठीक है सेल मेम्ब्रेन जो है उसके उसमें क्या प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसमें प्रेजेंट होगी ठीक है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में और बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे एंड इट विल जनरेट दी प्रोटोन मोटिव फोर्स बाय दी ऑक्सीडेशन ऑफ दी एन ओके एन के ऑक्सीडेशन से क्या होगा कि प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेट होगा और उसकी वजह से प्रोटोन का ट्रांसफर होगा ठीक है मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटोन का ट्रांसफर होगा एंड और अदर सब्सट्रेट्स ओके डी की तरह ही कुछ और सब्सेश जो यहाँ पर यूज होते हैं मोटिव फोर्स को जनरेट करने के लिए द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ द हीम कंटेनिंग कंपोनेंट्स लाइक साइटोक्रोम्स ओके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन कौन से कंपोनेंट की बनी हुई होगी सो इट कंटेन्स दम हीम कंटेनिंग कंपोनेंट्स यानी कि जो हमारे हीमोग्लोबिन में जो सेंटर में हिम प्रेजेंट है ठीक है हीम ग्रुप वो सेम हीम कंपाउंड यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा ठीक है सो साइटोक्रोम्स विल कंटेन द हिम ग्रुप देन आयरन सल्फर क्लस्टर एंजाइम्स ओके फ्लेवोप्रोटीन्स दीज आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ दी कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इट आल्सो कंटेन्स दी क्विनोलोन्स ओके दिस ऑल आर दी कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम आगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में तब ये सभी कंपाउंड्स के बारे में भी वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ठीक है अ टिपिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन दैट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड इवन इन द इकोलाइ अंडर द डिफरेंट कंडीशंस विल यूज दी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट एम्प्लॉयज़ अ वेराइटी ऑफ दबस्ट्रेट एंड टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ओके जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इक्वलाइक -like, वो एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बट अंडर द डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ओके अलग अलग जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ठीक है और जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है अलग अलग उसके बेसिस पर भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हो गए ठीक है कौन सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर यूज़ होगी वो अलग अलग हो सकती है ठीक है सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग, अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करती है सो अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मीनिंग क्या है कि जो सबस्ट्रेट है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर है ठीक है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर की जिसमें से आगे जाके प्रोटोन पम्प करने में वो हेल्प करेगा ठीक है ए टी पी का जनरेशन होगा उसके लिए जो सब्सट्रेट है वो अलग अलग हो सकते हैं ठीक है वेराइटी ऑफ सब्सट्रेट्स कैन बी यूज एंड द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर ऑल्सो डिफरेंट ओके जो लास्ट में जो सबसे लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो भी अलग हो सकता है ठीक है सभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में दर्ज दी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स कैन बी यूजुलाइज एज बींग ब्रांच्ड एट दी डिहाइड्रोजीनस एंड टर्मिनल ऑक्सीडेज साइट्स ओके सो यहाँ पर क्या रिएक्शन होती है डिहाइड्रोजीनस की रिएक्शन भी होगी और ऑक्सीडेज की रिएक्शन भी हो सकती है ठीक है सो दी रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी यूजुलाइज्ड एज बींग ब्रांच्ड एट दी डिहाइड्रोजीनस एंड टर्मिनल ऑक्सीडेज साइट्स ओके okay, यहां पर ये दो साइड पर वो डिफरेंट होती है ठीक है नाउ द द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स सो यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है ठीक है एक मोलिक्यूल है वो इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में वर्क करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स डोनर करता है डोनेट करता है ठीक है दूसरा जो मोलेक्ल है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा सो इट विल एक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों की जो रिएक्शन है वो यहाँ पर होगी फ्री एनर्जी चेंजेस आर नॉट ओनली रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम ऑफ द रेगुलर केमिकल रिएक्शंस बट ऑल्सो टू द इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ओके यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम uh, हुआ है फ्री एनर्जी चेंज जो मोलिक्यूल्स में होता है वो सिर्फ रेगुलर केमिकल रिएक्शंस के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता ठीक है रेगुलर केमिकल रिएक्शन में क्या इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं करता इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी इक्विलिब्रियम ऑफ दी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस सो द रिलीज ऑफ द एनर्जी नॉर्मली इनवॉल्व द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ओके जहाँ पर जो भी रिएक्शन में एनर्जी का रिलीज होता है वो बेसिकली क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी ठीक है उ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानि कि कम्बाइंडली इट इज नाउन एज द रेडोक्स ओके रेडोक्स रिएक्शंस आर दोज इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द डोनर मूव फ्रॉम अ डोनर द रिड्यूसिंग एजेंट और द रिडक्टर ओके डोनर में से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जाएगा ठीक है एंड टू एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्टर इज नौन एज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दी ऑक्सीडेंट ओके पर क्या होगा डोनर जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है सो so, उसका क्या होगा डोनर का ऑक्सीडेशन होता है ठीक है ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स सो इलेक्ट्रॉन डोनर जो है ठीक है वो डोनर मोलिक्यूल है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है एंड वो दूसरे मोलिक्यूल जो है उसका क्या करवाएगा रिडक्शन ठीक है दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नाउन एज दी रिड्यूसिंग एजेंट और द रिडक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या है कि दूसरे मोलिक्यूल्स का रिडक्शन करवा सकता है ये मोलिक्यूल ठीक है बट उसका खुद का क्या होगा ऑक्सीडेशन उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा ठीक है दैट्स वाई उसका खुद का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है बट इट विल

ओके okay, यहाँ पर क्या होगा रिडक्टन जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अगर हमें लग, लिखनी है ठीक है रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसको लिखने के लिए किस प्रकार लिखेंगे जो रिडक्टेंट मोलिक्यूल है उसको हम राइट हैंड साइड पर लिखेंगे ठीक है एंड जो ऑक्सीडेंट मोलिक्यूल है उसको हम कहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर ठीक है so, सो ऑक्सीडेंट मोलिक्यूल खुद का क्या होगा रिडक्शन होगा ठीक है सो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एड हो रहे हैं ऑक्सीडेंट मोलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए एंड उसमें से जो भी मोलिक्यूल बनेगा वो क्या है रिडक्टन ठीक है द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट पेयर इज रिफर्ड टू एज अ रेडॉक्स कपल ओके यहाँ पर ऑक्सीडेंट रिडक्टन की जो पेयर बनी है उसे क्या कहेंगे रेडॉक्स कपल ठीक है एंड वेन एन ऑक्सीडेंट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम द रिडकटेंट ऑफ द कपल ओके okay, यहाँ पर ऑक्सीडेंट रिडक्टन कपल किसे कहते हैं ऑक्सीडेंट मोलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ उसमें से रिडकटेंट फॉर्म हुआ है ठीक है so, सो ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट दोनों ही एक रेडोक्स कपल के रूप में वर्क करेंगे एंड जब भी ऑक्सीडेंट मोलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसमें से क्या फॉर्म होगा रिडकटेंट ठीक है वो खुद रिडकटेंट बन जाएगा दी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन इज कॉल्ड एज दी स्टैंडर्ड रिएशन पोटेंशियल एंड इज अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट टू लोज द इलेक्ट्रॉन्स ओके यहाँ पर जो ऑक्सीडन रिडक्टेंट की जो रिएक्शन है उसके जो इक्विलिब्रियम है ठीक है उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है उसे क्या कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ओके सो द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रेडोक्स रिएक्शंस आर नोन एज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड इट इज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स ओके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट की कितनी एबिलिटी है कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की ठीक है उसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं क्लियर दी रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर द डिडक्शन पोटेंशियल इज़ दी हाइड्रोजन सिस्टम विथ इज प्राइम जीरो द रिडक्शन पोटेंशियल एट दी पी एच सेवन ऑफ द माइनस जीरो पॉइंट फोर्टी टू और माइनस फोर ट्वेंटी मिली वोल्ट्स ओके वोल्ट मिली वोल्ट्स दोनों में ही दिए गए हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सो बेसिकली एज अ रेफरेंस किसका यूज होता है एच प्लस का ठीक है हाइड्रोजन सिस्टम का जो रेडोक्स कपल बनता है हाइड्रोजन मोलिक्यूल से और प्रोटोन मोलिक्यूल से वो हम एक स्टैंडर्ड के रूप में लेते हैं ठीक है ठीके? और रेफरेंस के रूप में रहते हैं कि जिसके बेसिस पर हम बाकी के सारे जो रेडोक्स पेयर है उसको हम यहाँ पर हाइड्रोजन मोलिक्यूल के साथ कंपेयर कर सकते हैं ठीक है ठीके? सो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है माइनस जीरो पॉइंट फोर्टी टू वोल्ट्स इन दिस रिएक्शन ईच हाइड्रोजन आइटम प्रोवाइड्स दी वन प्रोटोन एंड वन इलेक्ट्रॉन ओके यहाँ पर एक प्रोटोन एक इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइन होके क्या फॉर्म हो रहा है एच टू एंड दी रिडक्शन पोटेंशियल इज दी कंक्रीट मीनिंग ओके रिडक्शन पोटेंशियल का भी एक पर्टिकुलर मीनिंग है ठीक है रेडोक्स कपल्स विद मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वील डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स ओके जो भी रिडक्स कपल्स विथ मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है हमने आगे डेफिनेशन देखी थी आप देख सकते हैं एक और बार कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ओके सो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज करने की उसकी एबिलिटी है सो so,

सो मोर नेगेटिव जिसका होगा रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा ठीक है उसकी एफिनिटी वो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए वो ज़्यादा है एंड इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू द कपल विथ मोर पॉजिटिव पोटेंशियल एंड ग्रेटर एफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ओके सो जिसके पास जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसमें वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ठीक है एंड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है एंड दस द इलेक्ट्रॉन विल टेंड टू मूव फ्रॉम द रिडक्टेंट एट दी टॉप ऑफ द लिस्ट टू दी ऑक्सीडेंट एट बॉटम बिकॉज दे हैव मोर पॉजिटिव पोटेंशियल्स ओके सो यहाँ पर एक टेबल दिया गया आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिस्ट है उसमें अलग अलग मोलिक्यूल्स के अलग अलग रेडोक्सपेर के जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल लिखे गए हैं ठीक है सो so, इसमें सबसे ऊपर क्या है हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स सो यहाँ पर जो ये लिस्ट दिया गया है उसमें जो ऊपर के मोलिक्यूल है ठीक है ऊपर के मोलिक्यूल है वो क्या है ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है उसकी सो इट विल वर्क एज दी रिडक्टेंट ओके खुद का ऑक्सीडेशन होगा दूसरों का रिडक्शन करवाएगा सो so, ऊपर के जो मोलिक्यूल्स है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स वो सब क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में वर्क करते हैं एंड नीचे के जो भी है या फिर से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में वर्क करेंगे एंड दिस मे बी एक्सप्रेस्ड विचुअली इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन टावर इन विच द मोस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स आर एट द टॉप ओके इसे हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन टावर भी कह सकते हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव यानी कि जिसकी वैल्यू सबसे कम है जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है उसको टॉप के ऊपर रखा जाएगा ठीक है एंड बाकी के उससे नीचे जो है वो सब वैल्यू उसकी ज्यादा होगी रिडक्शन पोटेंशियल की इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर्स डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट और फोल्ड डाउन द टावर टू द मोर पॉजिटिव पोटेंशियल्स ओके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहाँ पर होगी तो हम यहाँ पर ये यह जो चार्ट दिया गया है ठीक है टेबल दिया गया है उसमें से इजीली पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट कौन से मॉलिक्यूल से कौन से मॉलिक्यूल के पास होगी ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम कोई दो मॉलिक्यूल्स ले लें फॉर एग्जाम्पल साइटोक्रोम ओके okay, साइटोक्रोम भी यहाँ पर दिया गया है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसमें से साइटोक्रोम बी ठीक है एफ ई प्लस टू वाला फॉर्म होगा सो so, यहाँ पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है ज़ीरो पॉइंट जीरो सेवेंटी फाइव ओके साइटोक्रोम बी में से साइटोक्रोम बी तो का जो यहाँ पर प्रोसेस हो रही है ठीक है रिडक्शन हो रहा है उसमें उसका रिडक्शन रेडक्स पोटेंशियल कितना है जीरो पॉइंट जीरो सेवेंटी फाइव उसके साथ अगर हम दूसरा मोलिक्यूल देखें लाइक एफ ए डी और एन ए डी पी देखते हैं ठीक है एन ए डी और एन ए डी पी सो वो थर्ड नंबर पर दिया गया है ठीक है एन ए डी पी उसका जो रिडो रेडोक्स पोटेंशियल है वो कितना है माइनस जीरो पॉइंट थर्टी टू ओके सो दोनों में से कम किसका है रेडोक्स पोटेंशियल एन ए डी का ठीक है so, सो एन ए डी में से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होकर साइटोक्रोम्स में आएंगे ठीक है साइटोक्रोम बी में आएंगे इलेक्ट्रॉन्स सो एन ए डी विल वर्क एज द इलेक्ट्रॉन डोनर एंड साइटोक्रोम बी विल वर्क एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ठीक है उसी प्रकार कोई भी दो मोलिक्यूल हम ले लें तो उसमें से यहाँ पर जो टावर में ऊपर का मोलिक्यूल है वो डोनर के रूप में वर्क करेगा एंड जो नीचे का है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में वर्क करता है क्लियर कंसिडर द केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर डाई न्यूक्लियोटाइड ओके एन ए डी सो दी प्लस और एन ए डी एच कपल हैज़ अ वेरी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एंड कैन धेयर फॉर गिव इलेक्ट्रॉन्स टू दी मेनी एक्सेप्टर्स इंक्लूडिंग दी ऑक्सीजन ओके यहाँ पर हम देख सकते हैं एन ए डी का जो रेडॉक्स पोटेंशियल है दूसरा मोलिक्यूल कौन सा है ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन यहाँ पर नीचे सबसे लास्ट में दिया गया है सो so, दो मोलिक्यूल्स है एन ए डी ऑक्सीजन दोनों में से ऊपर का मोलिक्यूल कौन सा है एन ए डी ठीक है उसका रेडोक्स पोटेंशियल कम है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन सो एन ए डी विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू दी ऑक्सीजन ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का रेडॉक्स रेडोक्स पोटेंशियल दिया गया है इंडिविजुअल रिएक्शन का एंड बिकॉज दी एन ए डी प्लस एन ए डी एच इज़ मोर नेगेटिव देन द ऑक्सीजन एच टू द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम दी एन ए डी एच टू द ऑक्सीजन ओके okay, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ पर होगी एनएडीएच में से ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी ठीक है एनएडीएच विल वर्क एज दी ऑक्सी सॉरी विल वर्क एज दी रिडक्टेंट एंड ऑक्सीजन विल वर्क एज द ऑक्सीडेंट क्लियर सो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन की जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में एनएडीएच होगा एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में ऑक्सीजन सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल कि आप इजीली समझ पाए ठीक है यहाँ पर जो भी ऊपर का मोलिक्यूल है वो डोनर के रूप में वर्क करेगा नीचे का मोलिक्यूल एक्सेप्टर के रूप में वर्क करता है क्लियर सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट टिल दिस देन प्लीज आस्क इन दी कॉमेंट बॉक्स थैंक यू